वेलकम टू माय चैनल नीमाज कॉर्नर और मैं हूँ नीमा। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप भी यूट्यूबर बनना चाहते हो, आना चाहते हो यूट्यूब पे मेरी तरह? तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत स्पेशल है, हर उस इंसान के लिए बहुत स्पेशल है जो यूट्यूब पे आना चाहता है, फेमस होना चाहता है और बहुत सारे पैसे कमाना चाहता है। देखिए, एक यूट्यूबर को हम क्या समझते हैं? मुझे लगता है लोग समझते हैं एटीएम मशीन, बस भाई पैसे निकल रहे हैं, दर 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 दर, इतने सारे पैसे कमा रहा है ना यूट्यूबर की हद नहीं हो रही। तो क्या होता है ना, देखिए कई सारे मिथ्स होते हैं हमारे बारे में जो मैं आज आपके साथ क्लियर करने वाली हूँ। एक्चुअली ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ एक रिक्वेस्ट पे। एक व्यूअर मुझे 4 दिन से ईमेल कर रही है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना चाहती हूँ, मुझे किन बातों को फॉलो करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सिंपल सी बातें, सिंपल 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 भाषा में, ताकि आपको भी क्लियर हो जाए कि अगर आप एक यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में क्या क्या चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पहले बात करती हूँ क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। देखिए, मैं जो शूट करती हूँ ना अपनी वीडियो, मैं फ़ोन से शूट करती हूँ क्योंकि ये बहुत हैंडी हो जाता है, बहुत कॉम्पैक्ट हो जाता है। मैंने आज तक अपने फ़ोन से ही एडिटिंग वगैरह करी है, कभी भी लैपटॉप पे मैं नहीं गई हूँ क्योंकि लैपटॉप हर जगह कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने सब कुछ सीखा है अपने फ़ोन पे, कैसे आप वीडियो बना सकते हो, कैसे एडिट कर सकते हो, कैसे पोस्ट कर सकते हो, कैसे सब कुछ यूट्यूब से रिलेटेड कर सकते हो। तो आप भी कई सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, नहीं तो कुछ चीज़ें मैंने भी सिखाने की कोशिश करी है। तो लिंक है सारी वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप देखना चाहते हैं, मेरी भाषा में समझना चाहते हैं तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। वरना आपको यूट्यूब पे बहुत सारे ज्ञानी लोग मिल जाएंगे जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखा देंगे कि कैसे आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, कैसे वीडियोज़ को शूट कर सकते हो और कैसे उन्हें पोस्ट कर सकते हो। तो सिंपल भाषा में मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि अपने फ़ोन से शुरू कीजिए, ज़्यादा लपड़ चपड़ में मत पड़िए। दूसरी चीज़, आपको माइक की ज़रूरत पड़ती है। मैं माइक यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे प्राकृतिक माइक मिला हुआ है भगवान से। तो अगर आपकी आवाज़ थोड़ी सी धीरे है, आप में कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है बोलने का आपने से, क्योंकि शुरू शुरू में लोगों के साथ होता है कि वो नहीं बोल पाते हैं इतना ज़ोर की, तो आप माइक यूज़ कीजिए। माइक के लिए मैं आपको नहीं बोलूँगी कि आप 1,000, 1,500, 2,000, 4,000 का माइक खरीद लो। आपके जो फ़ोन की ईयरफोन होते हैं ना, उससे भी जो बोलने का वो होता है ना स्पीकर, आप क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं जिसमें हम बोलते हैं, उससे भी बहुत अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड हो जाती है, तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें चाहिए होती है वो होता है एक ट्राइपॉड, जिसमें फ़ोन लग जाता है स्टैंड पे। नहीं है तो भाई अपनी कोई कुर्सी उर्सी टेबल वेबल को ऐसे सेट कर लो जिसमें आपका फ़ोन लग जाए, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको सिर्फ 3 चीज़ चाहिए, फ़ोन और माइक के प्लेस पे आप अपने ईयरफोन को यूज़ कर सकते हैं, और तीसरी चीज़ ट्राइपॉड के प्लेस पे आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं। एक टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं तो मोबाइल से ही स्टार्ट करें। लैपटॉप पे एडिटिंग सीखना ये सब करना थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगता है और थोड़ा सा हैंडी नहीं होता है, वो कॉम्पैक्ट नहीं होता है कि भाई कहीं भी लैपटॉप खोल लिया, ऐसा नहीं है। पर हाँ, कहीं भी हम फ़ोन ज़रूर खोल सकते हैं, तो इस बात का आपने ध्यान हमेशा रखना है। क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए होती हैं एक सिंपल वीडियो बनाने के लिए, बहुत ज़्यादा हाईटेक मैं आपको नहीं बता रही हूँ, बेसिकली मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं यूज़ करती हूँ। अब बात करती हूँ कि किस फील्ड में आप वीडियो बना सकते हैं। देखिए, हमेशा अपना हुनर ढूंढिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कॉमेडी वीडियोस बहुत चलती हैं तो मैं कॉमेडी बना लेती हूँ, या ब्यूटी वीडियोस बहुत चलती हैं तो मैं ब्यूटी बना लेती हूँ। ऐसा मत कीजिए। आप क्या बना सकते हैं, आप खुद अपना हुनर ढूंढिए, फिर उस चीज़ में आइए। क्योंकि क्या होता ना, हम दूसरों को देख देख के ये सोच सोच के कि उसकी वीडियो बहुत चलती है वैसा बना लेती हूँ, उसकी वीडियो बहुत चलती है वैसा बना लेती हूँ, तो वो ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ क्या होता ना, हम लोग किसी का चैनल का नाम मिलता जुलता अपना चैनल का नाम रख लेते हैं, बहुत गलत चीज़ है ये। तो ये क्या होता ना, जैसे मान लीजिए बीबी की वाइंस चैनल है, अब अगर मैं रख लूँ बीबी की वाइंस 2 और सोचूंगी कि भाई अब वहाँ के व्यूअर्स मेरे पास आ जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जिसे उन्हें देखना है वो उन्हें ही देखेगा, आपको बिल्कुल भी नहीं देखेगा। तो किसी का भी मिलता जुलता नाम मत रखिए, अपना नाम यूनिक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि दूसरों की जुबान पे चढ़ जाए। जिसने भी आपका चैनल देखा ना, उसकी जुबान पे आपका नाम चढ़ जाना चाहिए, ऐसा नाम रखिए। करती हूँ भाई टारगेट की। जी हाँ, यूट्यूब पे टारगेट होता है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा टारगेट था 2,40,000 मिनट का और 1,000 सब्सक्राइबर का, शायद अभी भी वही टारगेट है। जब तक आप अपना टारगेट ये पूरा नहीं करेंगे तब तक आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो, मतलब तब तक आप अर्जी नहीं लगा सकते हो पैसे कमाने की। जितना भी आपको इसके लिए टाइम लग रहा है वो लगाना पड़ेगा, और उसमें आपको चवन्नी भी नहीं मिलने वाली, समझ लो चवन्नी भी नहीं मिलने वाली है। लगाते रहो टाइम, लगाते रहो, चाहे अब आपका टारगेट 2 महीने में पूरा हो जाए, चाहे पूरा साल लग जाए, जब तक आप 1,000 सब्सक्राइबर्स कलेक्ट नहीं कर लेते हो, इकट्ठे नहीं कर लेते हो और 2,40,000 मिनट का वॉच टाइम पूरा नहीं कर लेते हो, तब तक आप अप्लाई नहीं कर सकते हो मोनेटाइजेशन के लिए।
से रिलेटेड कई सारी वीडियोस मैंने बनाई हैं जिनके लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार आप देखिएगा जरूर, क्योंकि वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। चैनल आप कैसे बना सकते हो, थंबनेल आप कैसे बना सकते हो, वीडियो कैसे पोस्ट कर सकते हो, चैनल को सिंपली ग्रो कैसे कर सकते हो और कई सारी वीडियोस हैं यूट्यूब से रिलेटेड मेरे चैनल पर, तो जाकर जरूर देखिएगा। देखिए एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है कि दूसरा सक्सेसफुल हो गया है तो हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। देखिए क्या होता है ना, हम मार्केट में जाते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं वहाँ पे, तो ऐसा नहीं होता है कि सब दुकानों पे भीड़ लगी हुई है, कोई ना कोई दुकान आपको खाली भी दिख जाएगी। तो कभी भी लाइफ में डिसअपॉइंट मत होइए कि उसका चैनल चल गया मेरा चैनल नहीं चला, ऐसा नहीं कीजिए। क्योंकि क्या होता है लाइफ में, भगवान ने अगर हमारी दुकान आज खाली रखी हुई है ना, तो हम अगर किसी और चीज की दुकान खोलेंगे ना तो हमारी दुकान सबसे ज्यादा भर जाएगी। भाई कपड़ों की दुकानें 50 है तो 50 में मैं 51 भी मैंने खोली तो मेरी दुकान में कोई क्यों आएगा। पर अगर कपड़ों की दुकान के बीच में मैंने ग्रोसरी का सामान रखना शुरू कर दिया, परचून का सामान रखना शुरू कर दिया, तो सब वो 50 दुकान के लोग मेरी दुकान में भी आएंगे। ये चीज हमेशा ध्यान रखें। तो भीड़ से हट के काम करने की कोशिश कीजिए, भीड़ में घुस के काम करने की कोशिश मत कीजिए। ये मेरी सिंपल सी टिप है आपके लिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा, मैं हर बार बोलना भूल जाती हूँ तो अभी मैं बोल देती हूँ लास्ट में, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कीजिएगा। आप मुझे ढूंढ सकते हो नीमा शर्मा 15 के नाम से। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।